दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के स्लम एरिया में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने के बाद मौके से 500 लोगों को निकाला गया। आग शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे दक्षिणी सियोल गुरियोंग एरिया में लगी। यहां 660 से अधिक घर है। जानकारी के अनुसार आग की चपेट में आने से 18,000 वर्ग फुट क्षेत्र नष्ट हो गया है। लगभग 290 फायर कर्मी, 10 हेलीकॉप्टर और पुलिस की टीमों को आग बुझाने के काम में लगाया गया है। आग से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है।